पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार साथियों, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की शिक्षक सीट मेरठ व सहारनपुर से माननीय MLC श्री श्री चंद शर्मा जी से मुलाकात की और माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी हुई मुलाकात और शिक्षा मित्रों के संबंध में हुई वार्ता के बारे में पूर्ण रूप से पूरी जानकारी प्राप्त की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं और क्या हम लोगों को उस पर आगे चल करके कैसे सफलता मिलेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की वार्ता का पूरा ब्यौरा अपने विभाग के प्रमुख सचिव महोदय से भी देना है और उनसे चल करके बात करना है कितनी जल्दी हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। इस विषय पर हम लोग गए, प्रमुख सचिव महोदय से भी मुलाकात किए और यह पूरी मुलाकात की जानकारी हम लोगों के दो तीन बिंदु थे जिसमें एक बिंदु जो बेसिक की शिक्षा में साथियों का मानदेय अगस्त का जहाँ जहाँ बाकी जिन जनपदों में वह भी प्रमुख रूप से था और बाकी तो आप जान रहे हैं हमारी समस्याएं जो मुख्य हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरे, हमारे जो मूल विद्यालय वाले लोग परेशान हैं उनका भी, महिला बहनों का भी। आदरणीय अध्यक्ष जी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ 5 सितंबर का आंदोलन किया, आपने एकजुटता का परिचय दिया, आप लोग एकत्रित हुए और ये लगा तमाम विघटनकारी लोगों को आपने दरकिनार करते हुए एक जन सैलाब इको गार्डन में दिया। पूरा धरना चला, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे वार्ता हुई, दोपहर में भी हुई और रात में 10:30 बजे भी वार्ता के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। हमारे तमाम साथियों ने वो आपको की स्थिति थी कि धरना क्यों समाप्त हुआ, कैसे समाप्त हुआ और इससे अभी तमाम लोग आक्रोशित भी थे, तमाम लोगों का गुस्सा जायज था, तमाम लोग जो भी कहते थे उन सबका मैं सम्मान करते हुए और निरंतर तब से मैं लगातार आपके बीच में संघर्ष कर रहा हूँ और साथियों उसका परिणाम बहुत ही शीघ्रता के साथ आपके बीच में आएगा। कोई बिगड़े हुए काम को बनाने में जितना समय लगता है वो तमाम चीज़ें हमारे तमाम साथी कहते हैं 7 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं 7 साल को 1.5 साल में परिवर्तन करता हूँ और उन 1.5-2 सालों में जो संघर्ष जो साहस हमारे साथियों ने दिखाया उसका उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एक एक साथियों का ऋणी है। अभी तक हमारे बीच में सरकार के लोग बात नहीं करते थे और निरंतरता में अब सरकार के लोग हमारी पैरवी करते हैं और जिसके लिए मैं माननीय विधान परिषद सदस्य शिक्षक विधायक आदरणीय श्री चंद शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। वो लगातार 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सबके प्रकरण में मिल चुके हैं और कल की मुलाकात उनकी बड़ी सकारात्मक रही है और मुलाकात करने से पहले उन्होंने हमसे कहा कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ, मुझको शाम को 6 बजे समय है, मैं मिलूंगा। मैं भी गोंडा से निकला, अपने मिश्रा जी बस्ती से आए, सभी लोग इकट्ठा हुए और माननीय शर्मा जी 6 बजे राइट में उनके यहाँ बैठा था, वो गए मिलने, मिल करके आए, उन्होंने यथास्थिति से अवगत कराया, वहाँ तदर्थ के साथी भी बैठे थे, उनकी बात उनको बताया, हमारी बात हमको बताया और उन्होंने कहा कि कल आप लोग रहिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्देश प्राप्त हुआ है प्रमुख सचिव से बैठकर हमको बात करना है। आज हम लोग करीब 2:30 बजे के आसपास आदरणीय प्रमुख सचिव के कक्ष में जा करके आदरणीय शर्मा जी के नेतृत्व में विस्तृत चर्चा किया गया जिस पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की दिशा निर्देश उनके आदेश निर्देश जो भी उन्हें प्राप्त थे उन्होंने कहा। मैं कल मुलाकात किया था और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से DG मैडम और आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय 4:45 पर 5 बजे के आसपास उनकी भी मुलाकात हुई थी, दोनों का संगम हुआ, दोनों की बातों में जो सार निकल कर आया उससे लगा कि शिक्षा मित्रों के अब धीरे धीरे स्थितियों में काफ़ी कुछ सुधार हो रहा है, आपकी समस्या का समाधान शीघ्रता से होगा। अब तमाम साथी हमारे कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है शिक्षा मित्र के समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता, नेता गुमराह कर रहे हैं, तो मैं तो आपको बड़ा स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि मैं आपके समाधान के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, आपके समस्या के समाधान तक निरंतर मैं संघर्ष करूंगा। जिसको विश्वास नहीं है, जिसको ये लगता है उसकी जैसी भावना, आपने जहां जहां मैंने बुलाया, January 23 से अब तक मैंने 3 बार आपको बुलाया, एक कार्यक्रम और हुआ 20 फरवरी का, उसमें भी हमने निवेदन इसलिए किया कि लोगों को ये ना लगे कि शिक्षा मित्रों का बहुत कुछ होने जा रहा था और सुकुमार शुक्ला ने उसको विरक्त, खैर वो कार्यक्रम भी सफल था, समन्वय में उसका भी हम उदाहरण देंगे, एक विस्तृत कार्यक्रम हुआ आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ, लेकिन तब से निरंतर हम लोग सरकार से जितनी हमारी दूरी थी उस दूरी को धीरे 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 हम लोग पाटते पाटते बिल्कुल करीब पहुंच गए और उस करीब पहुंचने के बाद अब शिक्षा मित्रों के समाधान का समय आ गया। मैंने 6 तारीख को आपको कह दिया था, 5 को धरना समाप्त हुआ था, 6 के शाम को मैंने आपसे कहा था कि शिक्षा मित्र को फिर लखनऊ बुलाऊंगा और पूरी ताकत से शिक्षा मित्र आएगा, बसों में भर भर के आएगा और शिक्षा मित्र खुशियों से घर जाएगा। वो समय धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा है और उस समय की आप प्रतीक्षा करिए और आप विचलित मत होइए, आप संगठित रहिए। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ साथियों ने अपने नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्षों की बैठक किया, जिलाध्यक्षों ने 1-2 प्रस्ताव पारित किए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी
वहां जनपद के जिलाध्यक्ष साथियों ने हमें अवगत कराया। मैं उनकी बात से अपनी बात को संबद्ध किया। ये प्रस्ताव का मैं सर्वसम्मत से स्वागत करता हूं और इस प्रस्ताव में आप सबसे चाहता हूं कि जल्द ही परिणाम दिखे और जहां जरूरत होगी वहां आप बताएंगे तो शिवकुमार शुक्ला, सुशील यादव, रमेश मिश्रा आपको हाजिर मिलेंगे और अगर मेरे और उपस्थिति में आपकी चर्चा आदरणीय जयंत जी से होगी तो आपको भी बल मिलेगा और मैं भी अपनी बात कहने में पूरी सक्षमता के साथ करने का प्रयास करूँगा। दूसरा प्रस्ताव आया कि निदेशालय में धरना होना चाहिए। इस प्रस्ताव को मैं रोकता हूँ। मैंने पहले भी कहा और वर्तमान में भी कह रहा हूँ कि अभी आगामी 3 महीने तक शिक्षा मित्रों का किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन, कर्मी अनशन या किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होगा और यद्यपि ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का नहीं होगा। मेरे साथियों का जो प्रस्ताव आया था उससे मैं अपने को संबद्ध करते हुए, सहमत करते हुए, परंतु जब भी आगे निर्णय लिया जाएगा तो उसमें मैं पूरी तरह से अगुवाई करूंगा। मैं आगे बैठूंगा, हमारे साथी जो निर्णय लिए हैं वो पीछे बैठेंगे। मैं आपसे सहमत हूँ लेकिन आने वाले 3 महीना तक हमारा कोई कार्यक्रम नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का निर्णय है। इससे आप सब अवगत हो, अपने साथियों को अवगत कराएं और यद्यपि कोई भी संगठन, कोई भी शिक्षा मित्र का साथी कोई भी गलत निर्णय लेगा तो संपूर्ण जिम्मेदारी उसकी होगी अगर शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं हुआ। तमाम लोगों ने ऐसे रोड़ा डाला और जब जब रोड़ा डाला तो उसका नुकसान आज शिक्षा मित्र देख रहा है, चाहे वो टेट कराने की बात रही हो, चाहे वो 2017 में 20,000 लेकर के सिस्टम बनाने की बात रही हो, चाहे वो सरकार से मिल करके चलने की बात रही हो, चाहे वो तमाम आंदोलन और धरना प्रदर्शन में अपने विरक्त व्यवस्था को बनाने की बात रही हो, उन तमाम बातों को छोड़ते हुए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए शिक्षा मित्र के हित के लिए और शिक्षा मित्रों की हो रही मौतों को रोकने के लिए 3 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होगा और जब भी होगा वो सर्वसम्मत से निर्णय लेकर के कार्यक्रम किया जाएगा। साथियों, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी सहमति और सिस्टम आदरणीय प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ श्रीचंद शर्मा जी से कहा, आज माननीय शर्मा जी के साथ हम लोग गए, उन्होंने प्रमुख सचिव महोदय से कहा, उन्होंने कहा मेरी भी बात हुई है और इन प्रकरण पर हम लोगों को चलना है। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि शिक्षा मित्र आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो और उसके जीवन की जो व्यवहारिक कठिनाइयां हों वो दूर हो और इस दोनों बिंदु पर मैं काम कर रहा हूं। परिणाम भी निकलेगा और आगामी दिनों में परिणाम ही होगा। बैठकें होंगी, बैठकों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद घोषित होगी। यहां तक आपको प्रतीक्षा करना होगा और उस प्रतीक्षा में मैं सारे साथियों को जोड़ करके इस बात को कहना चाहूंगा कि आप अपने को संबद्ध रखिए। जहां इतने दिन हम प्रतीक्षा किए हैं वहां आने वाले 2-3 महीने तक हम लोग प्रतीक्षा कर लेंगे और सरकार के लोग मेरी वकालत करने लगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री, नेता सदन विधान परिषद श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उसमें हमें लगता है कि अधिकतर माननीय विधान परिषद सदस्य उपस्थित थे और उसमें जितने भी हमारे माननीय सदस्य कमेटी के मेंबर थे, सदस्य थे, अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, सचिव थे, सभी लोगों ने प्रमुखता से शिक्षा मित्र के प्रकरण को गंभीरता से लिया और माननीय नेता सदन ने पहली बार इस बात को लोगों को निर्देशित किया, अधिकारियों को भी, कि ये प्रकरण गंभीर है और इस पर काम करना चाहिए। तो शीघ्र ही हम सबके बीच में उसका परिणाम दिखेगा। अब हमसे लोग पूछते हैं टाइम आप बताइए, तो टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी के टाइम को हम टाइम में अपने आप को नहीं जोड़ सकते। हम आपके पैरोकार हैं, आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पे, माननीय मंत्री जी के पटल पे, माननीय अधिकारियों के पटल पे, माननीय विधान परिषद सदस्य के पटल पे, विधायक सांसद के पटल पर ले जा रहे हैं और उसका परिणाम आपको दिख रहा है। ये जो 5 सितंबर के बाद बैठकों का दौर जारी हुआ है उसमें सभी को निर्देश दिया गया है और आगे भी आपको दिखेगा कि फिर बैठक हो रही है, किसके साथ किसके साथ बैठक हो रही है और चरणबद्ध तरीके से इस बात को करने के बाद, इससे हमारे मंत्री जी बाहर हैं, उनके आने के बाद उनकी भी सहमति होना आवश्यक है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए हम लोगों के जो कार्य हैं वो प्रगति पर हैं। आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन पे भी कमेंट करते हैं, मेरे रहन सहन पे कमेंट करते हैं, उसको भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, आपका नेतृत्व करता हूँ, आपने जिम्मेदारी दिया है उसका हम लोग निर्वाहन कर रहे हैं। आज शिक्षा मित्र धीरे धीरे जहां सरकार से बहुत दूर था वहां सरकार के करीब जाकर के अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ चुका है और जितना समाधान इस बार हो जाएगा उसका मैं स्वागत करूंगा और जो समस्याएं बचेंगी उसको लेकर के आगे संघर्ष करने का प्रयास करूंगा। निरंतर हमारा संघर्ष जारी रहेगा तो आप मानिए कि जब हमारा वकील बेहतर होगा तो हमारा मुकदमा अच्छा होगा और हमारा जजमेंट हमारे पक्ष में होगा और वो जजमेंट बहुत जल्द आपके पक्ष में होगा और आप भी खुशहाल होंगे और उसी में मैं भी खुशहाल होऊंगा। जब आपके चेहरों पर खुशी होगी तो मेरे चेहरे पर भी खुशी होगी। आगामी 3 महीने तक शिक्षा मित्र सरकार के साथ संबद्धता के साथ पूरी तरह से शीघ्र ही आपके साथ संदेश जारी कराने का प्रयास करें और कर रहा है, इसकी आप प्रतीक्षा करें। यद्यपि
किसी भी प्रकार से कहीं से कोई समस्या आएगी, खुले मंच से आपको अवगत कराया जाएगा। हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों ने महामंत्री जी से कहा कि संगठन को उचित समय पर उचित निर्णय लेना चाहिए। मैंने उचित समय पर उचित निर्णय लिया है, वह उचित निर्णय आपके पक्ष में है और उसका परिणाम आपको दिख रहा है और शीघ्रता के साथ शासनादेश में परिवर्तित हो, यही इसी अपेक्षा के साथ माननीय MLC साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को धन्यवाद, आदरणीय सत्ता पक्ष के या जितने भी हमारे सदन में उपस्थित साथी थे और शिक्षा मित्रों के लिए गंभीरता से चर्चा किया, उनको सबको धन्यवाद देते हुए पुनः मैं MLC आदरणीय शर्मा जी को बार बार धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि वो मेरठ से, अलीगढ़ से, नोएडा से चल करके और शिक्षा मित्र क्रम में आकर के बात की। और भाइयों, 3-3.5 साल से तदर्थ शिक्षकों का संघर्ष चलता रहा और धीरे धीरे उनका कैटेगरी तय हो गया, उनका वेतन भुगतान हो गया और अब कोर्ट ने आदेश कर दिया है 2000 से पहले वालों को वेतन में रखा जाएगा और 2000 बाद वालों में भी आज 15 लोगों का आर्डर हो गया है। तो धीरे धीरे जो संघर्ष करता है उसको कुछ ना कुछ परिणाम मिलता है। 3.5 साल तक वो लोग भी इसी कमेंट और इसी आक्रोश, आरोप और प्रत्यारोप के शिकार बने रहे, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो शिक्षा मित्र भी अब उस स्थिति में आ गया है जब सरकार के करीब पहुंचा कि धीरे धीरे वो अपने सुधार की तरफ बढ़ गया है। और ज़्यादा समय नहीं है, हम तो आपको टाइम दिए हैं ना, उसके अंदर और उससे बहुत पहले भी आपके शासनादेश जारी होने के सिलसिले शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्द आपको परिणाम सुखद मिलेगा। तब तक आप प्रतीक्षा करिए, संगठन पर भरोसा रखिए, किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन अन्य चीज़ों का अपने मन में विचार तब तक ना लाएं। जब आवश्यकता होगा तो संगठन खुद ऐलान करेगा और अपने पदाधिकारियों के साथ संगठन पुनः उस मैदान में जाएगा। निर्णय जो कुछ भी होगा, जो निर्णय लिया गया आपके पक्ष में है और जो निर्णय आगे लिया जाएगा वो आपके पक्ष में रहेगा। इसी के साथ पूरे संगठन के प्रतिनिधियों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप लोग 3 महीने का अध्यक्ष ने समय दिया है और ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उसके पहले ही हम लोगों का काम हो जाए और उम्मीद पूरी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, जिस दिन हमारा कार्य फाइनल हो जाएगा शासन प्रशासन और सरकार में, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बुला करके आप लोगों के समस्याओं का समाधान करेंगे और उसी दिन मुलाकात भी होगी। जय शिक्षा मित्र।